क्या बात है वे जट्टा क्या बात है, कल दसी की देना बिताई रात है, क्या बात है वे जट्टा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर वकास मुगल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल मल्टी स्टोर। दोस्तों हमेशा की तरह नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इस तरह की वीडियो जिसके ऊपर एक टाइपिंग के लिरिक्स आ रहे होते हैं, टाइपिंग हुए हुए, जैसे कोई हम कोई टाइपिंग कर रहा हो, तो इस तरह का स्टेटस बनता कैसे है आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। आपने जस्ट वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आप इस तरह की वीडियो आसानी से बना सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइमली मिलती रहे। तो चलें दोस्तों बिना कोई टाइम दिया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, जिस ऐप का नाम है एलाइट मोशन। एलाइट मोशन ऐप को विदाउट वाटरमार्क वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। प्लस आइकॉन यहाँ से ओपन करना है, प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने 9x16 वाली रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना है, व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, बैकग्राउंड को क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपको प्रोजेक्ट व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से वो इमेज ऐड करना है जिस इमेज के ऊपर आप इस तरह का लिरिक्स वाला स्टेटस बनाना चाह रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक सैम्पल मौजूद है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। बॉर्डर एंड शेडो के ऊपर क्लिक करना है, इसको बॉर्डर को ऑन करना है, स्ट्रोक का कलर रख लेना है व्हाइट और यहाँ से इसका थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि बॉर्डर हमें अच्छे से मिल जाए। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है, ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर वो सॉन्ग ऐड करना है जिसके ऊपर आप इस तरह का स्टेटस बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने सॉन्ग ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं कि भी सॉन्ग ज़्यादा है और लिरिक्स कम, पिक्चर कम है। तो हमने यहाँ से सॉन्ग के एंड में आ जाना है, पिक्चर वाली लेयर के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर ऐसे करने के बाद ये देख सकते हैं दोनों लेयर्स बराबर हो गई हैं। उसके बाद प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वो लिरिक्स पेस्ट करने हैं जो आपने पहले से कॉपी किए हुए होंगे, जिस सॉन्ग के लिरिक्स हैं, जो सॉन्ग आप इस सॉन्ग को आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिरिक्स यहाँ पर आपने पेस्ट कर लेने हैं। पेस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूँ क्योंकि मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए ही थोड़ा सा बना रहा हूँ। तो यहाँ तक इसको मैं कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद इसको मज़ीद थोड़ा सा हम डिज़ाइन करेंगे, यहाँ तक जट्टा जो है ये इस तरह करने के बाद ये अगली वाली लेयर में और इसी तरह बिताई ये यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको भी नेक्स्ट लेयर में, इसी तरह क्या बात है भाई जट्टा और इसको भी नेक्स्ट लेयर में। ये देखो दोस्तों हमारी लेयर्स बन गई हैं। उसके बाद यहाँ से हमें कलर का ऑप्शन ऊपर मिल जाता है, कलर को हमने इसका वाइट रख लेना है। वाइट रखने के बाद इसका साइज़ जो है यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ऐसे बढ़ाने के बाद यहाँ से हमारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं, और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, कोई और भी लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद इसको ओके का ऑप्शन हमें मिल जाता है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलता है, इसको यहाँ से हम नीचे ले आएंगे और इसे मूव कर लेंगे। ऐसे मूव करने के बाद दोस्तों इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के बड़ा करेंगे। बड़ा करने से आपको ये अच्छे से तरीके से मिल जाएंगे, ये देखें दोस्तों। इसके बाद इसको थोड़ा सा मूव ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर अच्छे तरीके के साथ सेट कर लेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद दोस्तों लेयर्स हमारी छोटी हैं और सॉन्ग बड़ा है तो यहाँ पर एंड में आएंगे और हमारा जो लिरिक्स हमने अभी ऐड किए हैं उस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सारे जो है ना बिल्कुल बराबर हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जो अभी ऐड किया है। उसके बाद यहाँ से हमने इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और टेक्स्ट प्रोग्रेस वाला हमें एक टेक्स्ट के अंदर मिल जाता है, टेक्स्ट प्रोग्रेस वाला जो इफेक्ट है वो मिल जाता है, उसको यहाँ ऐड करेंगे। नन के ऑप्शन को ख़त्म करने के बाद कर्सर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ब्लिंक कर्सर को ऑन कर लेंगे और इस वाले को हम बिल्कुल एंड तक ले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और सॉन्ग को सुनेंगे, लिरिक हमारे कहाँ तक स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पर एंड हो रहे हैं, यहाँ तक। क्या बात है बिजट्टा क्या बात है, पहले ये ऐड कर लेते हैं, इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा हम ऐसे। क्या बात है वी क्या बात है, यहाँ तक कर लेंगे जी दोस्तों। यहाँ तक बढ़ाने के बाद आपने इसको मज़ीद नेक्स्ट हमारा जो लिरिक्स हैं उसको सुनना है कि भी वो आगे क्या कह रहा है। कल दसी के दिन बिताई रात है, इसने यहाँ तक कहा है तो यहाँ से हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे थोड़ा सा। कल दसी के दिन बिताई रात है, यहाँ तक। यहाँ तक इसे करने के बाद दोस्तों इसको मज़ीद हम जो आगे वो कह रहा है उसको सुनेंगे, तो इसे यहाँ से मज़ीद बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद एंड में जो हमारे लिरिक्स हैं वो एंड तक ले जाएंगे, आखिरी लाइन है तो उसको भी इसी तरह हम एंड तक कर देंगे। एंड तक करने के बाद दोस्तों इसको हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं कि हमारे लिरिक्स कैसे ऐड हुए हैं। ये देखें दोस्तों ये बहुत अच्छे तरीके के साथ यहाँ पर ऐड हो गए हैं। उसके बाद हमने इस वीडियो को थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करने के लिए प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने कुछ जो चीज़ें हैं हमारी वो
PNG फाइल्स वगैरह जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पहले से डाउनलोड कर लेनी है आपने, इनको यहाँ पर ऐड करना है। ऐसे ऐड करने के लिए इसको यहाँ से थोड़ा सा हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम ऊपर ले जाएंगे ऐसे, और यहाँ से नीचे इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इसी तरह दोबारा मूव एंड ट्रांसफॉर्म इसको ऊपर लगा लेंगे ऐसे। ऊपर लगाने के बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको भी इसी तरह यहाँ पर एंड में आ जाएंगे, इस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर एंड तक ले लेंगे। एंड तक लेने के बाद दोस्तों इसके बाद हमने यहाँ से प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक और जो है ना हमने इफेक्ट वाली वीडियो ऐड करनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये वाली वीडियो है, प्लस आइकॉन ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और फिल स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद, लाइटन के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसे कर लेंगे कलर डॉग, ऐसा कुछ ऑप्शन है उसको कर लेंगे हम। इसको करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जितनी हमारे पास ये लेयर्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे, इस वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितनी हमारे पास लेयर्स हैं उतना हम ले लेंगे इसको और बाकी को रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ से एक और चीज़ ऐड करनी है, प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एक और वीडियो को ऐड करना है इफेक्ट वाली को, जिसका लिंक आपको उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ ऐसे। इसको प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिल स्क्रीन करेंगे और यहाँ से इसी तरह इसको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के ऑप्शन, लाइटन के ऊपर और कलर डॉग के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको ऐड कर लेंगे और इसको भी इसी तरह हम कट कर लेंगे जितनी हमारे पास ये लेयर्स मौजूद हैं यहाँ तक। इस वाली को भी इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों लिरिक्स हमारे तैयार हैं, वीडियो भी हमारी तैयार है। मैं आपको एक और काम करना है, हमने सॉरी मैं भूल गया था, प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। अब आप इतनी प्यारी वीडियो बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको इसका क्रेडिट लेना तो बनते ही है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना YouTube चैनल या TikTok ID या स्टेटस या अपना नाम कुछ भी लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। YouTube में जस्ट YouTube चैनल अपना ऐड करूँगा यहाँ पर मल्टी स्टोर, इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे ऐसे और इसे खींच के थोड़ा बड़ा कर लेंगे ऐसे। और इसके बाद इसका कलर वाइट रख लेंगे। वाइट रखने के बाद इसका जो टेक्स्ट है ये वाला स्टाइल हम रख लेते हैं और उसके बाद इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों इसी तरह मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे बिल्कुल कॉर्नर में सेट कर देंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। उसके बाद दोस्तों इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको भी खींच के एंड तक ले आएंगे ऐसे और खींच के एंड के लगाने के बाद प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ से स्टार्ट में लगाएंगे, प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे और एक आपने यहाँ पर यूट्यूब की PNG या फाइल जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको डाल दूंगा, ये वाली फाइल है। इसको प्लस आइकॉन करने के बाद इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहाँ से इसका ऑप्शन थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेंगे ऐसे। छोटा करने के बाद इसको हम मूव कर लेंगे नीचे, नीचे हम यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर लेंगे ऐसे। इसको सेट करने के बाद दोस्तों इसे थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लेते हैं ओके, और ओके करने के बाद इसको भी इसी तरह बिल्कुल एंड तक ले आएंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंड तक दोस्तों वीडियो हमारी तैयार है और उसके साथ ही इसको हम एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने 1080 पर रखने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, वीडियो आपके पास 1080 क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी में सेव हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दें, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की एडिटिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।